हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल #212। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आइए, सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्थ केयर से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। सो प्लीज आप लोग वीडियो को वॉच करें। वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली जितनी भी वीडियोज है सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि बहुत उमस भरी गर्मी हो रही है और हर जगह गर्मी हो रही है, जिससे क्या हो गया कि हमारे फेस पर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, स्किन जो है बहुत ज्यादा ऑयली हो गई है और इसमें बहुत ज्यादा पिंपल, एक्ने, कील, मुहासे की जो प्रॉब्लम है वो हर व्यक्ति की एक परेशानी बनी हुई है। तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो ऑल स्किन टाइप है, सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं और आप इसको हफ्ते में अगर डेली डेली इसको यूज करते हैं तो 1 वीक तक अगर आप इसको डेली यूज करें तो अभी के साथ आपके जो पिंपल है, एक्ने और मुहासे है जो इस टाइम की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे और जिसमें मैंने 1 स्पून ऑरेंज पील पाउडर लिया है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ऑरेंज पील पाउडर होता है इस जो विटामिन सी से भरपूर होता है और हमारी स्किन पर जो एक्ने की, पिंपल की और मुहासों की जो प्रॉब्लम है उनको काफी हद तक ठीक करता है और हमारे स्किन को बिल्कुल एकदम टाइट और ब्राइट बनाता है और बहुत इफेक्टिव है हमारे स्किन के लिए। ठीक, अब हम लोग इसमें 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे जो कि हमारे पोर्स को डीपली क्लीन करती है, हमारे स्किन को टाइट और ब्राइट बनाती है और बहुत बेनिफिशियल होती है हमारी स्किन के लिए। और ऑल स्किन टाइप के लोग जो होते हैं मुल्तानी मिट्टी का यूज करते हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सारे लोग इसके बेनिफिट्स को जानते हैं। इसके बाद हम इसमें चावल का माड़ ऐड करेंगे। आप क्या कर सकते हैं कि जब आप अपने घर पर चावल बनाते हैं तो उस टाइम आपके चावल के ऊपर जो पानी रहता है जो कि बहुत स्लाइमी सा होता है और बहुत स्टिकी होता है, उसी को चावल का माड़ बोलते हैं। आप उसको ले सकते हैं या आप अलग से चावल का माड़ बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको 2 से 3 चम्मच चावल का पाउडर ले लीजिए, जिसको हम राइस फ्लोर बोलते हैं, या आप चावल ले लीजिए, कोई से भी चावल हो सकते हैं आप ले लीजिए। अगर आप 2 चम्मच चावल ले रहे हैं तो उसमें 1/2 कप पानी डालकर उसको अच्छी तरीके से बॉइल करिए और बॉइल होने के बाद आपको लगातार चलाते रहना है और बॉइल होने के बाद आपको उसको ठंडा होने के रख देना है। तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर क्या है कि जो एक्स्ट्रा वाटर आपको दिखेगा वही चावल का माड़ होता है, उसको इसमें ऐड कर देना है जो कि हमारे स्किन को एकदम टाइट बनाता है। और कोरियन ब्यूटी में बहुत ज्यादा ट्रेंड है चावल के पानी का, ये हमारे स्किन को एक बहुत नेचुरल सी साइन प्रदान करता है जो कि बहुत बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो अब हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून चावल का माड़ ऐड कर देंगे और आप देखेंगे कि अगर आपके जो पेस्ट बना रहे हैं, जो फेस पैक, अगर उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ठीक है तो आप इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। आप लेमन का जूस ऐड कर देंगे। आपको पूरा 1 लेमन लेना है, उसको कट करना है, जो हाफ लेमन होगा उसके बीज निकाल लें, उसके बाद उसको हाफ लेमन का जूस इसमें ऐड करना है। और जो हमारा लेमन का जूस जो होता है वो भी विटामिन सी से भरपूर होता है और एक्ने, पिंपल वाली जो ऑयली स्किन के लोग होते हैं उनके लिए तो ये वरदान है। बहुत जल्दी विटामिन सी होता है, उससे स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, कील, मुहासों की, दानों की, वो सब ठीक हो जाती है और स्किन एकदम साफ, सुंदर और क्लियर हो जाती है। ऐड करने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद क्या है कि हमको जो पेस्ट मिलेगा इसको हम 15 मिनट तक इसको रख देंगे, ताकि जो हमारा ऑरेंज पील पाउडर हमने इसमें ऐड किया है, जो मुल्तानी मिट्टी ऐड की है, वो सब क्या हो जाए, अच्छी तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, अच्छी तरीके से फूल जाए और अपना जो अच्छा इफेक्ट है वो हमारे स्किन पर दिखा पाए। तो फ्रेंड्स, हमारे फेस पैक को 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। आपको उसको फेस पर अप्लाई करने से पहले सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन वाटर से इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको क्या करना है कि इस फेस पैक को आप अपने फिंगर की टिप से या आप किसी ब्रश से, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो, उससे अपने पूरे फेस पर लगा लें और फेस पर लगाने के बाद उसको 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दें के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि फेस पैक को बिल्कुल कड़क कड़क तरीके से ड्राई नहीं करना है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हो गया, आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा टाइट टाइट फील हो रहा है, ऐसा नहीं करना है।
आपको हाफ ड्राई करना है, मतलब आपकी स्किन जब हल्की सी टाइट फील होने लगेगी उसी टाइम आपको अपने फेस पैक को निकाल देना है। फ्रेंड्स हमारे फेस पैक को 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने अपने फेस को अब क्लीन वाटर से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे स्किन पर जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो खत्म हो चुका है। जो एक्ने पिंपल की जो छोटे छोटे से जो एक दो दाने दिख रहे थे वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं। और अगर मैं इसको डेली यूज करूंगी तो ये मेरे बिल्कुल ठीक है कि मेरे फेस जो है वो काफी सॉफ्ट और काफी साफ और सुंदर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आप भी इस फेस पैक को जरूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल सस्ता सा है, सिंपल सा है, घर की चीजों से बन गया है। और हाँ, अगर ऑरेंज पील पाउडर आप ऑनलाइन परचेस नहीं करना चाहते हैं, आप उसको घर पर भी बना सकते हैं। और घर पर आप कैसे बनाएंगे तो इसका जो लिंक है वो मैंने अपने कमेंट बॉक्स पर। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस को, सजेशंस को जरूर कमेंट बॉक्स पर शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू गाइस।